एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स जब इनकी मृत्यु हो रही थी ना, तो मरने के टाइम पे इनके तकिए के नीचे एक ऐसे इंसान की फोटो थी जो कि भारत के ही रहने वाले थे, जिन्हें लोग कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि स्वयं बजरंग बली के अवतार के नाम से जानते थे। उनका नाम नीम करौली बाबा था। केवल स्टीव जॉब्स ही नहीं बल्कि फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क ज़करबर्ग, यहां तक कि बड़े बड़े हॉलीवुड सितारे, बड़े बड़े बॉलीवुड के सितारे इनके भक्त हुआ करते हैं, मुरीद हुआ करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन इनके भक्तों की सबसे बड़ी जो लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर शुमार है नीम करौली बाबा। ये इतने ज्यादा चमत्कारी बाबा थे कि इन्होंने पानी को घी में बदल दिया था। एक रात एक साथ 1000 गोली खाए थे, उसके बाद भी वो 1000 गोलियां इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी थी, बाल भी बाका नहीं कर सकी थी। नीम करौली बाबा वो बाबा थे जिन्हें एक बार जब ट्रेन से उतार दिया गया था ना, तो जो ट्रेन थी वो बीच घने जंगल से आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने उन्हीं की जीवनी की एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। ये इतने ज्यादा चमत्कारी पुरुष थे कि आज भी देश विदेश के बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, जो लोग विज्ञान से बहुत हद तक जुड़े हुए हैं, वो भी इनके मुरीद हुआ करते हैं। नीम करौली बाबा जो बचपन में, जो पैदाइश इनका नाम था, इनका नाम था लक्ष्मी नारायण जी। इनका जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नाम के गांव में हुआ था। केवल 11 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था, लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों बाद इनका जो मन है वो सांसारिक सुखों से उठता चला गया था। एक तरीके से देखा जाए तो वो इस जीवन को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़कर कहीं बहुत दूर चले गए। इनके घर छोड़कर जाने के कुछ सालों बाद एक बुजुर्ग आदमी रहे होंगे, उनको ये कहीं दिखाई दिए और वो इनके जानकार थे। इन्होंने लक्ष्मी नारायण जी के पिताजी को बताया कि आपका जो बेटा है वो इन इन हालातों में यहाँ पर रह रहा है, उन्हें घर पर बुला लो। पिताजी को जब पता चला तो वो अपने पुत्र मोह से बच नहीं पाए और उन्होंने जल्दी से जल्दी अपने बेटे को अपने घर पर बुला लिया। वो लेकिन घर में वापस आने के बावजूद भी अपना मन नहीं लगा पा रहे थे इस दुनिया में। उसके बाद वो फिर से अपने घर को सबको बताकर छोड़े और इस बार उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिससे वो कभी लौट कर वापस नहीं आए। एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने इन सारे मोह को अब एक साथ ठुकरा दिया था। इन्होंने अपने जीवन में काफी सारे मंदिरों का निर्माण कराया, कैंची धाम का निर्माण कराया जो कि नैनीताल में है, और ये इतना ज्यादा चमत्कारी जगह, इतना ज्यादा चमत्कारी मंदिर है, बजरंग बली का मंदिर है, आप देखेंगे तो क्या ही बोलेंगे, कभी इसकी ख्याति के बारे में जानेंगे तो क्या ही बोलेंगे। जब स्टीव जॉब्स बेरोजगार थे, इनके पास कुछ नहीं था, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि जीवन में करना क्या है, वो भारत आए, नीम करौली बाबा के कैंची धाम मंदिर में आए। सच बता रहा हूं, जब वो यहां पर आए तो वो थोड़े लेट हो चुके थे क्योंकि उस समय बाबा अपनी समाधि ले चुके थे केवल 1 साल पहले। लेकिन केवल वो धाम में आने के बाद, वो धाम के दर्शन के बाद जब स्टीव जॉब्स वापस अमेरिका लौटे, तो मानो कि बड़े बड़े जो आइडियाज है उनके दिमाग में आने लगे। और फिर उसके बाद देखा जाए तो एप्पल कंपनी का निर्माण उन्होंने कर दिया। आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि एप्पल कंपनी किसी और के बदौलत नहीं बल्कि नीम करौली बाबा के आशीर्वाद की वजह से ही चली है, चालू हुई है। और ये खुद स्टीव जॉब्स ने काफी सारे इंटरव्यूज में क्लियर क्लियर कहा है। दरअसल एक बार की बात है, नीम करौली बाबा थोड़े बड़े हो गए थे, अपने जीवन के शुरुआती दिनों को काट रहे थे, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना था तो उसके लिए वो ट्रेन का उपयोग कर रहे थे। उस समय उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, तो वो ट्रेन की टिकट ले नहीं पाए और बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चली जा रही थी और टीसी आया, टीसी सबकी टिकट चेक करने लगा। चेक करते करते वो बाबा के पास पहुंचा, बाबा की टिकट देखा, टिकट तो थी नहीं। वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने तुरंत ट्रेन की चेन खींची और बाबा को बीच घने जंगल में नीचे उतार दिया। अब क्या था, ट्रेन वापस से चलनी थी, सभी लोगों को पता चल गया था, ये ब्रिटिश जमाने की बात है, ट्रेन में ज्यादा लोग सवार भी नहीं थे, तो लोगों को पता चल गया था कि अच्छा कोई आदमी है, उसको ट्रेन से उतारा गया है, टीसी बहुत गुस्से में आ गया, इस वजह से ट्रेन को रोका गया। अब खैर, अब ट्रेन के आगे बढ़ने का समय आया, ट्रेन चालू ही नहीं हुई। सभी लोग हैरान, सभी लोग
अफसर वगैरह हैरान, पूरे जितने भी पैसेंजर्स थे जिन्होंने देखे थे कि इस तरह से बाबा को उतार दिया गया है, टीसी हैरान, ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं पा रही, पता नहीं क्या परेशानी होगी, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। काफी घंटे बीत गए, 3-4 घंटे वहीं पर बीत गए। बाबा किनारे में खड़े हुए ये सब कुछ देख रहे थे। इसके बाद ट्रेन में कोई सवार था, वो शायद बाबा को जानता था। उसने बोल दिया टीसी को जाके कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रेन अपनी जगह से आगे बढ़ जाए तो बाबा को बनाइए और वापस से ट्रेन में बैठा लिए, तभी ये ट्रेन आगे बढ़ पाएगी, मेरी बात मानिए, इसी में सबकी भलाई है, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। उसके बाद क्या था, टीसी ने सोचा कि शायद ये पॉसिबल हो सकता है, उससे गलती हुई है। टीसी जाता है, अफसर जाते हैं और बाबा से माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि आप ट्रेन में बैठ जाइए वरना ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। बाबा ने कुछ नहीं कहे, बार बार वो लोगों ने बाबा के सामने विनती की तो बाबा ने केवल एक चीज़ ही बोले, मैं ही की शर्त में यहाँ से ट्रेन में वापस चढ़ूंगा, शर्त यह है कि इस जगह पर एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जाए। बस अफसर क्या थे, अफसरों ने मंजूरी दे दी, बाबा बैठ गए और विश्वास नहीं मानोगे, बाबा के चढ़ते से ही ट्रेन चालू हो गई और फिर उसके बाद आगे बढ़ी। यकीन नहीं होगा दोस्तों, आज उस जगह पर सही में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है नीब करौली, आप खुद इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हैं। ये तो कुछ नहीं एक बार की बात है, बाबा अपने धाम में थे और एक बहुत बड़ा भंडारा कराया जा रहा था। देखा जाए तो बहुत सारे भक्त दूर दराज के इलाकों से आए हुए थे। भंडारे में प्रसाद को बनाने के लिए जो घी होता है वो खत्म हो गया। सब लोग चिंता में आ गए कि सामने इतने सारे भक्तगण हैं और ये अचानक से घी खत्म हो गया तो प्रसाद तो अब ठीक तरीके से बन नहीं पाएगा। बाबा को जब ये बात पता चली तो बाबा ने बोले कि ज़्यादा परेशान मत हो। एक आदमी को इशारा करके अपने पास बुलाया और बोले कि जाओ कुछ लोगों को एक साथ लेकर और नीचे ही जो शिप्रा नदी बह रही है वहाँ में डब्बों से पानी भरकर लेके आ जाओ, सारी चीज़ों का इंतजाम हो जाएगा, फिक्र मत करो, बस मन में राम नाम जपते रहना। बाबा खुद राम नाम हर समय जपते रहते थे। सभी लोग डब्बे पकड़े, दो दो डब्बे पकड़े और नीचे नदी की तरफ चले गए, नदी से पानी भरे। जब वापस लौटे, डब्बों को वापस से खोले बाबा के सामने, तो पानी के डब्बे घी में तब्दील हो चुके थे, उसमें पानी नहीं घी था। सभी लोग हैरान, श्री राम बजरंगबली और नीम करौली बाबा के जय जयकार के नारे नॉनस्टॉप लगना शुरू हो गए। भक्तों के सामने बराबर मात्रा में प्रसाद का वितरण हुआ। इस घटना में भी आप यकीन नहीं करते तो एक और घटना बताता हूँ। एक बार की बात है, एक दंपत्ति हुआ करते थे। दंपत्ति का जो बेटा था वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ दे रहा था, उनका सैनिक था, भूटान में तैनात था और युद्ध बढ़िया खतरनाक तरीके से चल रहा था। काफ़ी समय बीत गया और बेटा वापस नहीं आ रहा था। दंपत्ति बड़े ही ज़्यादा दुखी थे। एक दिन बाबा उनके घर पर आ गए। सभी लोग टेंशन में कि अरे अचानक से बाबा कैसे हमारे घर पर आ गए। बाबा ने बोले कुछ नहीं, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए तुम्हारे घर पर आया हूँ, कुछ खाना वाना दे दो, थोड़ी भूख लगी है। ये लोग बाबा के लिए अच्छा खाने का निर्माण करते, खाना बनाते हैं बढ़िया। और अब आता है बाबा के सोने का समय। बाबा बोलते हैं कि आज मैं तुम्हारे ही घर पर सोऊंगा। वो लोगों ने उनको एक छोटी से कंबल दिए। अब उनके पास जितना भी था वो लोगों ने किए। बाबा ने सामने वाले कमरे में एक बिस्तर बिछाए, कंबल बिछाए और उसी में सोने लगे। कुछ ही समय बाद बाबा दर्द से कराहने लगे, रात भर कराहते रहे, करवटे बदलते रहे। जो दंपत्ति थे जिनके घर पर बाबा आए हुए थे वो लोग टेंशन में परेशान हो गए, बोले बाबा को चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, बाबा इतने ज्यादा तड़प क्यों रहे हैं। वो जाके बाबा को उठा भी नहीं सकते थे क्योंकि बाबा की नींद खराब हो जाती। वो देखते रहे, बाबा के सामने बैठे रहे। जब सुबह हुई तो बाबा उठे और जो कंबल उन्होंने ओढ़े हुए थे उसे फोल्ड किए और उनके हाथ में थमा दिए। बोले ये कंबल को लेकर तुम गंगा नदी में जाकर इसका विसर्जन कर दो, ध्यान रहे इस कंबल को खोल के मत देखना रास्ते में, कुछ भी हो जाए। और हाँ, ध्यान रहे ये काम करने के ठीक एक महीने बाद तुम्हारा बेटा सही सलामत घर पर लौटकर वापस आ जाएगा, तारीख गिन के रख लो, ठीक एक महीने में बेटा वापस आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बस बाबा ऐसा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग भी उस कंबल को उठाते हैं और गंगा नदी की तरफ बढ़ जाते हैं। जब वो रास्ते में नदी की तरफ जा रहे थे तो वो कंबल का भार लगातार बढ़ते जा रहा था, और तट पर पहुंचते पहुंचते वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया था। इतना भारी कि मानो उसमें बहुत सारी कोई लोहे की वस्तुएं रखी हुई है। लेकिन बाबा की माने तो उन्होंने खोलकर नहीं देखा और फिर उसको कंबल को विसर्जन कर दिया।
बस उस दिन के बाद से उन लोगों की फिक्र थोड़ी कम हुई, क्योंकि बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि बेटा ठीक एक महीने बाद लौटकर जरूर आएगा ये करने पर। विश्वास नहीं मानोगे, ठीक एक महीने बाद, उस तारीख से ठीक 30 दिन बाद बेटा घर पर वापस लौटकर आया। केवल लौटकर नहीं आया, बल्कि बेटे ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर इनके पैरों तले जमीन निकल गई। बेटे ने बताया कि इस तारीख की बात है, रात का वक्त था, अचानक से हमारी टुकड़ी के ऊपर दुश्मनों ने हमला कर दिया और लगातार गोलियों की बारिश की, लगातार। मेरे जितने भी साथी थे सभी लोगों की गोली लगकर मृत्यु हो गई। मैं भी उनके साथ था, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि एक भी गोली मुझे छू भी नहीं पाई। गोलियां बाजू से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी निकल जाती थी, लेकिन मुझे गोलियां लग नहीं रही थी। मैं तो सारी उम्मीदें त्याग चुका था, मुझे यकीन था कि आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बेटे ने बोला कि मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरी जगह पर सारी गोलियां झेल रही है। जैसे ये बात सुने उन लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उसी रात की बात है जिस रात नीम कलोनी बाबा उनके घर पर आए हुए थे और इस तरह से दर्द से कराह रहे थे। अब सोचो इस चमत्कार के बारे में, सोचिए क्या हुआ होगा। अरे आप इसे भी कुछ नहीं मानते तो एक और बार की घटना बताता हूँ मैं आप लोगों को। अरे अगर ये कुछ नहीं तो एक बार की बात बताता हूँ। फेसबुक कंपनी नीलाम होने वाली थी। मार्क जुकरबर्ग काफी ज्यादा टेंशन में थे, फिक्र में थे कि क्या किया जाए क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने मेंटर से बात की। मेंटर कौन? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स के पास अपनी परेशानी लेकर गए। तो स्टीव जॉब्स ने क्या कहा पता है? कि भारत में एक मंदिर है नैनीताल के इलाके में जिसे कैची धाम कहा जाता है, नीम करौली बाबा का ये धाम है, वहां पर जाओ, वहां पर जरूर तुम्हें अपनी परेशानी का हल मिलेगा, सारी चिंताएं खत्म होगी। और जो फेसबुक है देख लेना, उस मंदिर में जाने के बाद विश्वव्यापी बन जाए, मतलब पूरी दुनिया फेसबुक को जानेगी और बिकने की कोई उम्मीद रहेगी नहीं। मार्क जुकरबर्ग ने अपने मेंटर की बात माने और वो काफी 1000 किलोमीटर का ट्रैवल कर यहाँ पर पहुंचे, बाबा के धाम गए, वहां पर लोगों को देखे। बाबा तो अभी तक समाधि ले चुके थे जैसा मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन वहां से लौटने के बाद सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई कि मानो फेसबुक कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगी और बिकने वाली कोई उम्मीद ही नहीं आई। और आज फेसबुक कहां स्टैंड करती है आप सभी लोगों को पता है। और ये बात खुद मार्क जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में मोदी जी से कहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी एक बार फेसबुक के हेडक्वार्टर गए हुए थे और उस इंटरव्यू के दौरान, उस वार्तालाप के दौरान क्लियर मार्क जुकरबर्ग ने मोदी जी को ये बात बताई थी। इसके बारे में भी इंटरनेट में आप सभी लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, लेकिन जो धाम की बात करें तो केवल एक धाम नैनीताल में और एक धाम उन्होंने वृंदावन में बनवाया था। जब उनके देह त्याग करने का समय आया तो वो वृंदावन चले गए और वहीं पर उन्होंने अपना देह त्याग किया। वो हर समय राम का नाम लिया करते थे। उनके देह त्याग करने के बाद इनकी ख्याति पूरे विश्व में फैली। बड़े बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी केवल बाबा की तस्वीर देखकर ही इनके मुरीद बने, जब उनको कुछ भी बाबा के बारे में नहीं पता था, केवल तस्वीर देखे और इनके भक्त बन गए थे। ये खुद काफी सारे सेलिब्रिटीज एक्सेप्ट करते हैं। जूलिया रॉबर्ट्स एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है हॉलीवुड की, वो खुद ये बात को एक्सेप्ट करती है कि हिंदू धर्म उन्होंने केवल बाबा की तस्वीर देख के अपना लिया था। पता नहीं उस तस्वीर में क्या चमत्कार था, वो क्लियर ये चीज बोली है। कभी आप लोगों को मौका मिले तो नैनीताल के कैची धाम, जहां पर बजरंग बली की मूर्ति स्थापित है, नीम करौली बाबा का ही ये धाम कहा जाता है, वहां पर जरूर जाइए, दर्शन करके आइए। मुझे यकीन है कि आपकी जिंदगी में अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी चल रही है तो परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी और रियल चमत्कार आप अपनी आंखों से देखेंगे जो इतने बड़े बड़े लोगों ने देखे। खैर, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखें।